दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज क्लिक के कार्यक्रम हफ्ते की बात में आपका स्वागत है। हाथरस की घटना में उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उस सवालों से लगातार घिरती जा रही है। इतने सारे सवाल हैं कि अब तो उसके जो बहुत सारे समर्थक शुभचिंतक सरकार के हैं वो भी उस पर सवाल उठा रहे हैं। मैं सिर्फ उमा भारती की बात नहीं कर रहा हूं, अनेक लोग, टीवी पुरम के बहुत सारे लोग जो बहुत ही शुभचिंतक रहे हैं मौजूदा सरकार के, वहां भी ये सवाल उठने लगे हैं। और अगर इनकी एक फहरिस्त देखी जाए इन सवालों की, तो मैं सबसे पहला सवाल जो मैं आपके सामने आज उठाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश शासन वो बार बार ये कहता है कि उसने लाश जो जलाई, एक बड़ा सवाल रहा है कि लाश क्यों जलाई, उनकी क्या दलील रही है। मैं अभी पढ़ रहा था अखबारों में और टेलीविजन चैनलों पर भी, वहां के जो बड़े अफसरान हैं वो कह रहे हैं कि इसलिए जलाई कि कानून व्यवस्था की स्थिति ना खराब हो जाए। कानून व्यवस्था की उस वक्त हाथरस में कोई स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो खराब हो, पहली बात। दूसरी बात कि रात के अंधेरे में, आप तो राम राज्य हैं भाई, आप तो हिंदू संस्कृति के मानने वाले लोग हैं, आप तो उन दलित जो समाज के लोग हैं उनके हिंदूकरण पर जोर देते हैं, लेकिन आपने वहां पर बगैर परिवार की इजाजत के, बगैर उनको शामिल कराए और आपने जबरन शवदाह कर दिया, और वो भी किस तरह से किया। और दूसरा सवाल जो सबसे बड़ा उठता है कि अगर आरोपी, जिन लोगों पर ये आरोप है गैंग रेप का और अंततः उस लड़की की मौत की जिम्मेदारी का, यानी हत्या तक ये मामला जाता है, उन लोगों का लॉजिक है कि रेप नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार के जो आला अफसर हैं, आला अफसर, वो भी कह रहे हैं रेप नहीं हुआ। कमाल की बात है। बलात्कारी कहते हैं कि रेप नहीं हुआ, सरकार कहती है कि रेप नहीं हुआ, लेकिन सरकार ये भूल कैसे जाती है कि डाइंग डिक्लेरेशन है लड़की का, मौत से पहले दिया गया जो बयान होता है कानून में वो सर्वोपरि होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और उस बयान में लड़की ने स्वयं रेप के बारे में, और एक नहीं कईयों द्वारा, उसने बकायदे बात कही है। लड़की के भाई, इस अमानुषिक अत्याचार का शिकार जिस लड़की को बनाया गया, उसका अपना भाई कहता है कि बलात्कार हुआ, बहन ने मुझे बताया। मां मीडिया में बोल चुकी हैं, उनके 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 हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि रेप हुआ। और आप जो लॉजिक देते हैं, आप ये भी कहते हैं कि शरीर पर, लड़की के प्राइवेट पार्ट्स में ये जो निशानदेही आप बता रहे हैं कि ये नहीं पाया गया, वो नहीं पाया गया, जबकि कानून के हिसाब से भी वो परिभाषाएं बदल चुकी हैं। तो इस बेशर्मी के साथ उत्तर प्रदेश शासन जिस तरह की लॉजिक दे रहा है, माफ कीजिएगा, वो जो बलात्कारी हैं, जो हत्यारे हैं, ये उनकी लॉजिक है। तो क्यों ना कहा जाए कि ये शासन है या दुशासन है, एक बड़ा सवाल है। और ये जो शब्द मैं कह रहा हूं वो पूरी जवाबदेही और जिम्मेदारी के साथ। और दूसरी बात जो मैं उठाना चाहता हूं दोस्तों, कि ये गांव में, लड़की के गांव में मीडिया को जाने से 2 दिन 2.5 दिन रोक देना, और विपक्षी लोगों को रोक देना, चाहे वो जिस दल के भी हों, वकीलों को रोक देना, ये क्या है। मुझे तो अच्छी तरह याद है कि बिहार में जब हम लोग रिपोर्टिंग करते थे, उन दिनों के नेता कर्पूरी ठाकुर विपक्ष के नेता हुआ करते थे, वो कई बार रिपोर्टरों से पहले पहुंच जाते थे किसी घटना स्थल पर। उन दिनों किलिंग्स दलित उत्पीड़ित समाज के लोगों की वहां बहुत होती थी, उन पर अत्याचार बहुत होते थे, और दमन के इन घटना स्थलों पर विपक्ष के नेता कर्पूरी ठाकुर पत्रकारों से भी पहले पहुंच जाते थे। और आप जो है विपक्ष को रोक रहे हैं, आप जो है रिपोर्टरों को रोक रहे हैं, आप वकीलों को रोक रहे हैं, चमत्कार, ये रामराज है, कमाल का रामराज है। अब एक फरमान जारी हुआ है, फरमान क्या है कि नार्को टेस्ट होगा। नार्को टेस्ट
उस लड़की के परिवार वालों का होगा जिस लड़की पर अमानुषिक अत्याचार ढाया गया, जिसकी जिंदगी ले ली गई, उसके परिजनों को न्याय देने के बजाय उनका नार्को टेस्ट होगा। बाद में जोड़ा गया कि आरोपी हैं उनका भी होगा। कुछ बयान ये भी आ गए अब कि उसमें जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं या प्रशासन के जो लोग हैं, कुछ लोग जो इन्वॉल्व रहे उस घटना के समय या उसकी जांच पड़ताल में या घटना स्थल पर बाद के दिनों में, यानी जब लाश जलाई गई वगैरह वगैरह, तो उस दरमियान जो पुलिस अफसर कुछ थे उनका भी हो सकता है। अरे मैं कहता हूं कि सारे बड़े अफसरों का किया जाए, जो लोग इस पर बयान दिए हैं, जिन लोगों ने इस तरह की बातें कही हैं, सबका करा लो और आरोपियों का कराओ, लेकिन लड़की के घर वालों का नार्को टेस्ट, ये किस कानून में कहता है? दुनिया के इतिहास में ये कौन सी ऐसी घटना अनोखी है राम राज्य में कि जिस लड़की की जिंदगी ले ली गई, जिस पर इतना अत्याचार परिवार पर हुआ, उस दलित परिवार के लोगों का नार्को टेस्ट प्रशासन करना चाहता है। और आज मैंने देखा कि अपर मुख्य सचिव और डीजी साहब आकर के गांव में उन लोगों से बात कर रहे हैं। क्या बात है, अगर इन्हीं को आना था तो एसआईटी क्यों गठित हुई? क्योंकि वो तो सारे नोट्स ले रहे हैं। 2 दिन तक एसआईटी के नाम पर वहां पर किसी को जाने नहीं दिया गया, और आज आपने कहा कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब, डीजी साहब वहां मौजूद हैं, वो बैठ करके लोगों से बातचीत कर रहे हैं, अपने नोटिंग ले रहे हैं। तो जब सारा कुछ ये करना था तो जनाब आपने ये 4 दिन क्यों गंवाए? और इसके अलावा एक बड़ा सवाल उठता है कि इतनी जो कार्रवाई आज आप कर रहे हैं, 14 सितंबर की घटना है, 14 सितंबर से लेकर और जिस दिन लड़की की डेड बॉडी को गैर कानूनी ढंग से, अमानुषिक ढंग से जलाया गया, उस दिन तक आपका शासन क्या करता रहा? अगर चाहा होता आपके शासन ने तो लड़की आज जीवित होती, कम से कम वो बोलने के लिए कम से कम मौजूद होती, अगर उसको बेहतर इलाज मिला होता तो निस्संदेह वो जीवित होती, लेकिन उसको जनरल वार्ड तक में रखा गया, उसको बेहतर इलाज नहीं किया गया, जिला अस्पताल इधर उधर, अलीगढ़ बहुत दिन तक रखा गया, दिल्ली लाया गया तब जब उसको बिल्कुल मर जाना था। तो ये जो आपने मरते मरते जब वो लगा, डॉक्टरों ने जब कहा कि ये अब बिल्कुल संभावना नहीं है जिंदगी की, तब दिल्ली लाया गया, ये क्या बताती है? ये घटनाएं क्या बताती है? बेहतर इलाज अगर प्रशासन दिलाता तो उसकी जिंदगी मौजूद होती, जिंदगी उसके पास होती और वो सारी पोल खोल कर रख देती जो झूठ आज बोला जा रहा है। और दूसरी एक महत्वपूर्ण बात उठती है कि ये जो सारा प्रसंग है, इस प्रसंग में विपक्ष पर सबसे अधिक फोकस है कि उसको जाने नहीं देंगे। भाई क्यों नहीं जाने देंगे? आखिर लोगों को अधिकार है लोगों से बात करने का। आप स्वयं ही लोगों के यहां जाते रहे हैं जब आप विपक्ष के रहे हैं, तो फिर दूसरों के प्रति ये अप्रोच क्यों? आप टेलीविजन के जो रिपोर्टर्स हैं वो उसकी लड़की के भाई से बात कर रहे हैं, उनके फोन टेप करवा रहे हैं, और फोन टेप जो करा रहे हैं उसकी कोई आपके पास जस्टिफिकेशन नहीं है, क्योंकि उसके लिए भी एक कानून चाहिए। तो ये जो गैर कानूनी कानूनों का पूरा तांडव उत्तर प्रदेश में हो रहा है, ये कमाल का है। इसलिए मैं समझता हूं कि लड़की के परिवार वालों ने जो एक बात कही है और जो मीडिया में प्रमुखता से आई है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की निगरानी में पूरे मामले की जांच कराई जाए, मैं समझता हूं कि इससे बेहतर, इससे समझदारी भरा कोई और बात नहीं हो सकती, और इससे बेहतर, इससे ज्यादा संतुलित कोई मांग नहीं हो सकती जो परिवार वालों ने बहुत विनम्रता पूर्वक आपके समक्ष रखा है। इसलिए इस एसआईटी का मतलब कुछ नहीं है जो एसआईटी आपके पुलिस विभाग और आपके प्रशासन की तरफ से कंस्टिट्यूट की गई है, जिसमें सारे अफसरान हैं सरकार के, जो अफसरान, जो सरकार स्वयं सवालों के घेरे में है उसकी जांच पर कौन यकीन करेगा? इसलिए मैं समझता हूं कि बेहतर यही है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक उच्च स्तरीय हाई लेवल जांच कराई जाए, और बेहतर है एक जुडिशियल कमीशन इस मामले में हो। इन्हीं शब्दों के साथ एक चीज और मैं भूल रहा हूं दोस्तों जाते जाते, कि इस सप्ताह की एक बड़ी घटना और है कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की जो इस जो 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 विशेषज्ञों की टीम है डॉक्टरों की, उन्होंने आज बता दिया कि सुशांत सिंह राजपूत, जिनके बारे में 3-4 महीने से ये शगुफा चल रहा था सत्ताधारी दल का, सरकार का, टीवी पुरम का, कि जनाब
उनकी हत्या हुई थी उसमें ये था वो था, इतना सारा बॉलीवुड का बवाल, उसके बारे में आज खबर आ गई कि वो आत्महत्या ही थी। तो फिर ये टीवी पूरम के जरिए ये पूरी की पूरी 3 महीने इस देश में क्यों और कैसे और किस लिए कराया गया। बस आज इतना ही दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। Thank you.